लुक जो है किसी भी सिनेमा में अभी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस लुक में भी मुझे एक दो फिल्में करनी चाहिए। मेरे बड़े बाल और बड़े दाढ़ी वाला लुक जो है फिल्म राजमहल में देखने को मिलेगा, जिसमें आम्रपाली जी हैं, अमरीश जी हैं। और एक और फिल्म आ रही है मेरी, नाम बदनाम, अक्षरा नहीं, नाम बदनाम में काजल राघवानी जी और गौरव झा जी हैं, तो उस फिल्म में आप मुझे लंबे बालों में दाढ़ी में देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ डायरेक्शन के साथ साथ, तो ये भी लुक आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इमेजिन किया किस किरदार में आप देखेंगे? अभी राइटिंग वाइटिंग चल रही है हमारे फिल्म की, कोई अच्छा कैरेक्टर निकल के आएगा तो ज़रूर प्ले करूँगा। जब मैं बतौर डायरेक्टर जब फिल्म करता हूँ तो मेरी कास्टिंग पे ध्यान रहती है, और मैं अपनी कास्टिंग भी बहुत सोच समझ के करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ फिट हूँ तो ही मैं करता हूँ, वरना मैं अपनी कास्टिंग भी नहीं करता। आने वाली फिल्म में कौन कौन से आइडिया हैं? आने वाली फिल्मों में सबसे पहले है नाम बदनाम, काजल लगवानी गौरव झा को लेके बहुत ही उम्दा काम किया है काजल जी ने, गौरव जी ने, और मैं भी नज़र आऊँगा उस फिल्म में। नाम बदनाम टाइटल बड़ा यूनिक है, इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो ये टाइटल बिल्कुल सार्थक होगा। और एक टाइटल सॉन्ग भी हमने पिक्चराइज किया है बहुत लैविश तरीके से बॉलीवुड अंदाज में, तो आप नाम बदनाम मेरी आने वाली फिल्मों में सबसे ऊपर है। और एक और फिल्म हमारी आने वाली है जिसका नाम है राजमहल, इसमें आम्रपाली दुबे जी हैं, एक बहुत ही डिफरेंट किरदार में, बड़े डिफरेंट लुक में नज़र आएंगी, साथ में अमरीश सिंह है, और मैं भी आपको बहुत ही डिफरेंट लुक में नज़र आने वाला हूँ। फिल्म का नाम है राजमहल। इसके बाद एक फिल्म आएगी हमारी लव एक्सप्रेस अंजना सिंह जी के साथ, वो भी एक बड़े अलग तरह की रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है। और इसके अलावा एक मैंने अभी फिल्म किया है बी फॉर यू म्यूज़िक के लिए, फिल्म का नाम है प्रीत, प्रीत का दामन, दो कलाकारों की ज़िंदगी पर आधारित है, और उसमें संजना राज और अंशुमन सिंह राजपूत इसके मुख्य नायक है। बड़ी ही भावनात्मक और इमोशनल फिल्म है प्रीत का दामन, आप बहुत जल्द इसको देखेंगे, ये भी फिल्म रिलीज पे है। और इसके अलावा कुछ नई फिल्मों की प्लानिंग चल रही है जो हम बहुत जल्द उसे फ्लोर पे लेके जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर ग्रीन सिनेमा अवार्ड में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं विष्णु शंकर बेलू, एक्टर डायरेक्टर, अभी लोगों ने मेरा नया नाम रख दिया मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि एक्टर डायरेक्टर के साथ साथ कई सारे और भी विधाएं जुड़ी हुई हैं। सभी को दिल से धन्यवाद, जो मैं भोजपुरी सिनेमा के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे भोजपुरी सिनेमा के पूरे परिवार को जो सदस्य हैं एक्टर डायरेक्टर टेक्नीशियन जितने हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए देना चाहूँगा कि वो लोग सभी मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, कि मैं बहुत बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। वो चाहे खुशी का पल हो या दुख का पल हो, सब मेरे साथ खड़े रहते हैं। और आज इस भोजपुरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड में 2020 में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे आयोजक विजय पांडे जी का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं उनके इस अवार्ड शो के सफ़र को बड़े नज़दीकी से जानता हूँ। पिछले 2019 में इन्होंने पहली बार ये अवार्ड शो का निर्णय लिया था और उस आयोजन को भी कराया, चाहे जो जानकारी थी जैसे था उन्होंने इस अवार्ड को कराया, और ये पुनः 2020 में आयोजन करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये लगातार इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े दिल से और बड़े भावना से जुड़ के ये अवार्ड शो कर रहे हैं विजय जी। बात करें कि अवार्ड शो होता है या कोई फंक्शन होता है तो हमेशा रेड कारपेट होता है, यहाँ आज आप ग्रीन कारपेट पे चल के अपना परफॉर्मेंस दिया है। ये बात बड़े ही दिल से मैं कहना चाहूँगा, बड़े ही अच्छी बात है, और ये पहली बार है ये कि किसी अवार्ड शो का आयोजन जो ग्रीन कारपेट पे किया गया है। और जब मैं ग्रीन कारपेट पे जब चल के आया और इसके मीनिंग को समझा तो वाकई मैं बहुत भावुक हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगा कि देखो एक आयोजक जो है कितने दिल से जुड़ के रेड को ग्रीन करने का जो लॉजिक इनका है वो इतना प्यारा और इतना सुंदर है कि मैं क्या कहूँ। जो इन्होंने अपने अवार्ड शो का नाम रखा है वो भी बड़ा डिफरेंट रखा है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड, वो इस अवार्ड से एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। मैं भी अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो हमारे प्रकृति का जो असंतुलन
बिगड़ा हुआ है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो असंतुलित हो चुका है, इसको बैलेंस करने के लिए वृक्षों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो विजय पांडे जी अपने अवार्ड शो के माध्यम से और इस ग्रीन कारपेट के माध्यम से एक जनता को, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि वृक्ष लगाओ, विश्व बचाओ। ये जो ग्रीन सिनेमा का अवार्ड जो रखा है, इसके लिए आगाज़ है इनका, और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके लोग की काफ़ी तारीफ रही थी, लोग करा जब तक आप बड़े बड़े बाल में दाढ़ी मूछ में नजर आते हैं और अचानक एकदम डिफरेंट लुक छोटे छोटे। ये देखिए एक संजोग मात्र है, बाल छोटे होने का तो एक संजोग मात्र है, कुछ ट्रेजडी हुई थी घर में, लेकिन हाँ ये है कि मैं हर लुक को एंजॉय करता हूँ। बड़े बाल को भी बड़े स्टाइल से एंजॉय किया, और छोटे बाल हुए तो आज मैंने थोड़ा सा ये इधर से थोड़ा कम किया है, और ये थोड़ा सा मैंने इधर पीछे से भी ये किसी से प्रेरित नहीं है। आज जब मैं सैलून गया तो बोला सर ये स्टाइल आपको सूट करेगा, मैंने बोला मेरे फेस के हिसाब से, तो मैंने दाढ़ी को थोड़ा सा सेप दिया। तो सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट आया राम जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो आज का लुक कारगर हो गया, सिद्ध हो गया, ये लुक भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, तो अच्छी बात है। ये सिनेमा से जुड़े हैं तो भाई डिफरेंट डिफरेंट लुक तो ट्राई करना बनता है। बड़े बड़े बाल दाढ़ी मूंछ में आप राजमहल में नजर आएंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।